अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी वेगन आर हाइब्रिड के बारे में और इस गाड़ी के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे जापान से इंपोर्ट के बाद गाड़ी कितने में कॉस्ट करती है यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई बंदा इंपोर्ट करता है। अभी रिसेंटली आरडी रिमूव हो चुकी है, ड्यूटी में काफ़ी फ़र्क आया हुआ है, तो उसके बाद से हम जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक गाड़ी मैंने खोली हुई है, ये स्टिंगरे है, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने फरमाइश की थी कि स्टिंगरे के भी स्टिंगरे का जो है आप कैलकुलेशन करें, तो स्टिंगरे का भी करेंगे साथ में इसके जो सादा जो वेरिएंट है हाइब्रिड में, और इसके अलावा बगैर हाइब्रिड के भी इसमें काफ़ी वेरिएंट्स हैं। इसमें लोडेड भी आते हैं स्टिंगरे में, इसमें बेस वेरिएंट भी आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुझे गाड़ी जो अभी मेरे सामने हाइब्रिड एक्स है, इसमें टी भी आती है जो कि इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट होता है। तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर इसकी शेप वाइज बात करें तो पर्सनली मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती वेगन आर की शेप, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं इस गाड़ी को। इसमें काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं। अगर स्टिंगरे की बात की जाए तो फ्रंट आप देख सकते हैं, इसमें जो टी वेरिएंट आता है उसमें आपको 360 व्यू कैमरा भी मिल जाता है। नीचे हम जाते हैं, कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन पर बात करते हैं। फ्रंट आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी लोगों को पता भी है इसके शेप का, इंटीरियर एक्सटीरियर का, इसके फीचर्स का, लेकिन अगर शेप वाइज देखा जाए इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो इसकी पुरानी शेप्स हुआ करती थी तो उसके हिसाब से इतना अच्छा नहीं बनाया गया। फोक लाइट्स आपको मिल जाती हैं, डीआरएल भी आपको इसमें मिल जाते हैं, एचआईडी लाइट मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें रेयर में तो रेयर में भी आपको एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं, रेयर बम्पर में सेंसर्स मिल जाते हैं, अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। इसमें जो लोडेड वेरिएंट होता है उसमें आपको टू टोन में अलॉय रिम्स मिल जाती हैं, स्पॉइलर आपको मिल जाता है, वाइपर आपको मिल जाता है। एक लोडेड एक लग्जरी गाड़ी बनेगी है 660 सीसी कैटेगरी में। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हैं जल्दी जल्दी वो आपको दिखा के देखें। अगर आप साइड में देखें तो विंकर्स भी आपको मिल रहे हैं। स्टिंगरे की बात करूँ, इसमें जो सादा वेरिएंट्स आते हैं हाइब्रिड में उसमें नहीं है, एफएक्स की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट गाड़ी आपको मिल रही है, ड्राइवर कंट्रोल्स में अगर आप देखें ऑल पावर विंडोज़ हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, पुश स्टार्ट गाड़ी आपको मिलती है, और फीचर्स वही हैं, कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेन असिस्ट का फीचर है, प्री कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम है, इसके अलावा इको आइडलिंग का और ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर्स के ऑन ऑफ का बटन। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स में आप देख लें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कॉल रिसीव एंड करने के लिए मोड के इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। गियर आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बीच में नहीं मिलता सीट के बीच में, क्योंकि सोफ़ा सीट्स आती हैं गाड़ियाँ। और क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, सिंपल एसी नहीं होता इसमें, और हीटेड सीट होती हैं लेफ़्ट राइट दोनों आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं। पीछे आप देख सकते हैं कुशादा जगह है, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। अल्टो जैसा 660 सीसी जितनी भी जैपनीज गाड़ियाँ हैं उसमें पीछे लेग स्पेस काफ़ी आपको अच्छा मिलता है, बनस्बत 1000 सीसी और 1500 सीसी एक्वा के साथ अगर कंपेयर किया जाए, अगर कोरोला एक्सयू के साथ भी करें तो लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरा ये कि ये पीछे की जो सीट है ये इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। पीछे आपको बूट स्पेस इतना नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल हल्का फुल्का सामान आप रख सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें, ये सारी गाड़ी तो मैंने खोली हुई है फिक्स प्राइस की, क्योंकि इसमें पिक्चर्स कुछ ज़्यादा वाजे होती हैं, अच्छी होती हैं। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, आप देख सकते हैं टू टोन में आपको अलॉय रिम्स मिल रहे हैं। नीचे इंटीरियर में भी इसमें हल्का फुल्का फ़र्क होगा उसकी नस्बत, एक्स की नस्बत आप देख सकते हैं इंटीरियर का थोड़ा सा लग्जरी है एक्स से। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सादा वेरिएंट है, इसमें बेस वेरिएंट एफएक्स और एफजेड भी आता है इसमें। एफजेड में टोटल वेरिएंट्स में कुछ ना कुछ आगे पीछे फ़र्क है, इंटीरियर में भी एक्सटीरियर में भी। ये एफजेड है, इसकी फ्रंट लाइट तो बहुत ही बेकार है, मुझे इतनी पसंद नहीं है, अगर हर बंदे की अपनी चॉइस है। आप देख सकते हैं इसकी डैशबोर्ड में भी फ़र्क है। तो जाते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में चेक करते हैं, और वन प्राइस से निकल के यहाँ पे हम जेबडीज ऑक्शन में जाते हैं। तरीक़ेकार काफ़ी बार में बता चुका हूँ किस तरह आप वेबसाइट से रابطہ कर सकते हैं, बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सुजुकी में आ जाएं, और बल्कि आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स स्टैटिस्टिक्स में ही चले जाएँ, 3 महीनों का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कितने में बिकी हैं, तो वहाँ पर हमें सोल्ड प्राइसेज मिल जाएंगी, जिससे हम कैलकुलेशन ईज़िली जो है निकाल सकते हैं। वेगन आर पे क्लिक किया, यहाँ पे 2020 को कर लेते हैं, 2020 के नीचे गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती,
2023 आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी और प्राइस शेप तकरीबन सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। सोल्ड पे क्लिक करते हैं जी, सर्च पे क्लिक किया। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं क्योंकि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी है। सर अल्टो में है, इसमें भी ऑटोमेटिक और मैनुअल अलग अलग हैं। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइसेस आ गई हैं, इसमें कुछ फोर व्हील ड्राइव है, आप देख सकते हैं काफ़ी 3 चेसिस हैं मेरे पास। तो यहाँ पे एफएक्स है, एफएक्स तो नॉन हाइब्रिड है, उसको छोड़ देते हैं, हाइब्रिड की जानब जाते हैं। ये हाइब्रिड एफएक्स एफजेड है, इसका भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टी है, 8,25,000 में बिकी है, काफ़ी महंगी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कीएक्स लिमिटेड है, तो कुछ एवरेज लेके हम इसकी प्राइसेस निकालते हैं। इसको हम थोड़ा सा जो है कैटेगरी को कम कर देते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी होंगी ये जो कम चली हुई होती हैं गाड़ियाँ। माइलेज को भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं 1,00,000, 1,50,000, 80,000 के लगभग गाड़ियाँ चली आती हैं। अच्छा, देखा यहाँ पे अगर आप देखें हाइब्रिड एफ एक्स से 5,82,000 में बिकी है, ये 4,01,000 में, ये तो फिक्स प्राइस ऑक्शन है, इसका आपको पता नहीं, जो बिड आप डालते हैं उसी में आपको गाड़ी निकलती है। यहाँ पे अगर आप देखें एवरेज प्राइस 4,01,000 लिखी हुई है, किसने 4,01,000 ही डाला हुआ है उसी में उसकी गाड़ी निकल आएगी। अगर इससे जितने भी नीचे हो तो उसको तो पता नहीं चल रहा होता कंपनी वालों को। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एफएक्स है, ये 6,52,000, तो मुख्तलिफ प्राइसेज हैं। फ़र्ज कर लें अगर आपकी हाइब्रिड एफ जेड या यहाँ पे टी अगर आप देखें तो 8,00,000 के लगभग है, तो 8,00,000 के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर मैं खोलता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो 8,27,000 में गाड़ी बिकी है, 1,80,000 रुपये फ्रेट के हो गए। मल्टीप्लाई करें यन रेट के साथ 2.2 आजकल या 2.25 है, 2.3 कर लें रेट है, तो 22,45,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपने जापान भिजवा दिए। इसके बाद आती है ड्यूटी पीआरसी की, और ड्यूटी की तो ड्यूटी हम चेक करते हैं जी अभी, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये 1,300 के लिए है, ये 286 के हिसाब से, इस हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर 660 cc कार के लिए अगर आप देखें तो 2020 मॉडल के लिए, अच्छा जी ये तो पुरानी आरडी का भी साथ में बता दूँ, 20,27,000 रुपये पहले ड्यूटी थी, लेकिन अब ड्यूटी कम हो गई है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो 2020 मॉडल के लिए ड्यूटी है 10,30,000, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है ड्यूटी। तो 10,30,000 रुपये आप ड्यूटी के ऐड कर दें, पीआरसी आपको नॉर्मली 2,00,000, 2.5 लाख तक मिल जाएगी। तो 2.5 लाख की आपने पीआरसी ले ली, पासपोर्ट वगैरह आपने भिजवा दिया, ना भिजवा दिया सॉरी, जापान बिल कट गया, यहाँ पर गाड़ी आ गई, और गाड़ी आने के बाद आपने ये ड्यूटी पे कर दी, पीआरसी के पैसे भी आपने दे दी, अदर एक्सपेंस आपका आ जाएगा नॉर्मली 1,00,000 तक। और तो 35,25,000 रुपये आप डेडिकेट कर दें कराची से पिशावर तक, तो 36,60,000 में आपको हाइब्रिड टी गाड़ी जो इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है थोड़ी सी चली हुई आपको गाड़ी मिलेगी। अगर इस हिसाब से ये एफ ए और एफ एक्स देख लें, जो सादी गाड़ी है हाइब्रिड एफ एक्स है, चली हुई ज़्यादा थोड़ी सी चली हुई है, तो 3,71,000 में बिकी है, तो बहुत अच्छी प्राइस में बिकी है। तो 3,71,000 जमा 180 मल्टीप्लाई 2.23 ड्यूटी आप कर दें, 10,30,000 जमा 1,00,000 अदर एक्सपेंस जमा 2.5 लाख रुपये आप उसके ऐड कर दें पासपोर्ट के, तो 26,00,000 रुपये में आपको चली हुई गाड़ी एफ एक्स हाइब्रिड पैकेज आपको मिल सकती है। इधर अगर आप एफ जेड देख लें तो 7,60,000, ये इतनी शेप में अच्छी भी नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से भी मैं कैलकुलेशन कर लूँ, एफ जेड नॉर्मली आपको 7,50,000 के लगभग गाड़ी मिल सकती है। 7,50,000 की ऐड कर दें, 180 फ्रेट ऐड कर दें, मल्टीप्लाई 2.23 कर दें, 20,30,000 जापान भिजवा दिए, 10,30,000 ड्यूटी के ऐड कर दें, 1,00,000 रुपये अदर एक्सपेंस कराची के ऐड कर दें, और 2.5 लाख रुपये आप पीआरसी के ऐड कर दें, तो 34,53,000 रुपये में आपको जो है एफ जेड पड़ रही है। तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ऐसे डॉलर महंगा है, तो डॉलर महंगा होने की वजह से ये कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो फिलहाल लोग कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किए क्योंकि आरडी रिमूव हो गई है, तो लोगों का तो काम तो बंद नहीं कर सकते। तो ये एक वीडियो कंप्लीट आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, इसके अलावा अगर किसी और गाड़ी के बारे में भी पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद में वेजल जो बिल्कुल न्यू शेप है होंडा CR-V की तरह है, तो उसकी रिव्यू करूँगा इसमें, और साथ में पुराने शेप की भी कॉस्टिंग निकालेंगे। खाली हमारी इस वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।